एग्ज़ाम टाइम्स में अक्सर कुछ बच्चे टीचर से पूछते रहते हैं कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आएंगे, ज़्यादा तो नहीं आएंगे, टफ तो नहीं आएंगे। बच्चों में न्यूमेरिकल्स को लेकर कुछ डर सा रहता है कि पता नहीं एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो पाएंगे या नहीं। एक और कंप्लेन रहती है बच्चों की कि जब टीचर्स न्यूमेरिकल्स कराते हैं तो उनको वो समझ में आ जाते हैं और उन न्यूमेरिकल्स को वो खुद से भी बाद में सॉल्व कर पाते हैं, पर जब वो कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं, नए न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वो बीच में अटक जाते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसमें जनरली थ्री स्टेप्स हम यूज करते हैं। स्टेप वन, राइट द गिवन वैल्यूज इन SI यूनिट। हमको क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज गिवन होती हैं, उनको हम लिख लेते हैं और उनकी यूनिट्स का हम ध्यान रखते हैं कि हम उनको प्रॉपर यूनिट्स में लिखें, SI यूनिट में लिखें। स्टेप टू, उसके बाद जो भी हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन हैं या जो हमें फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। स्टेप थ्री, फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद हमें कैलकुलेशंस करनी होती हैं और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आ जाता है, और जब आंसर आ जाता है तो कितनी खुशी होती है। इन स्टेप्स के बारे में बच्चों हम अभी डिटेल में बात करेंगे, उससे पहले कुछ टिप्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगेगा। जैसे कि हमें न्यूमेरिकल्स टॉपिक वाइज करने चाहिए। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ें, हम थ्योरी को अच्छे से समझ लें, उसके कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से समझ में आ जाएं, तो हम उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लें। उसमें भी पहले हम करें सॉल्व न्यूमेरिकल्स, जो हमें एग्जाम्पल दिए रहते हैं ना, सॉल्व क्वेश्चंस दिए रहते हैं, तो उनको सॉल्व करें, और पहले हम फॉर्मूले पर बेस्ड ईजी क्वेश्चंस करें जो डायरेक्ट हम इजीली कर पाएँ, वो क्वेश्चन करें, उसके बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स टाइप के क्वेश्चंस करें, फिर हम करें अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस। यहाँ तो हमें हिंट मिल गया था उनका सॉल्यूशन देखकर, लेकिन अब जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें हमारे सामने कोई हिंट नहीं होगा, हम अपनी ही समझ से उन्हें सॉल्व करेंगे। उसमें भी हम पहले इजी और उसके बाद कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करें। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना अगर शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे कि इजी टू कॉम्प्लेक्स, हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। NCERT के जो एग्जांपल्स हैं बच्चों, वो इतने इजी नहीं रहते कि हम टॉपिक पढ़ के डायरेक्ट उन्हीं को करें। तो मैं तो यही बोलूँगी कि पहले आप किसी रिफ्रेशर से जो थोड़े डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कर लें, उसके बाद आप NCERT के एग्जाम्पल्स करें। अब हम बात करते हैं ये स्टेप वन की। स्टेप वन क्या है? राइट द गिवन वैल्यूज इन SI यूनिट, कि हमको जो सारी वैल्यूज हैं उनको SI यूनिट में लिखना होता है। तो पहले हम जब गिवन वैल्यूज जो है उनको लिखते हैं तो कई बार हमें उन्हीं में कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें क्या गिवन है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कई बार क्वेश्चन में लिखा रहता है फील्ड स्ट्रेंथ, कई बार लिखा रहता है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड। ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी, इनमें भी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें ओमेगा गिवन है या हमें फ्रीक्वेंसी न्यू गिवन है। तो ऐसे में हम यूनिट्स को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन सी हमको फिजिकल क्वांटिटी गिवन है। जब हम टॉपिक पढ़ चुके होते हैं तो हमको डिफाइन और फॉर्मूला, यूनिट, ये सब पता चल ही चुके होते हैं, तो हम यूनिट्स को देखकर ये पता कर सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन है। तो ये तो हो गई बात कि हमको क्वेश्चन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है वो। अब बात करते हैं यूनिट्स की। तो हमको SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है उसको फॉलो करना होता है कि सारी यूनिट्स हम SI सिस्टम में लिख लें। किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी ये हमें ध्यान रखना होता है कि बाकी सभी क्वांटिटीज भी फिर उसी सिस्टम में हों। मतलब अगर हम CGS सिस्टम ले रहे हैं तो सब CGS सिस्टम में होनी चाहिए, SI सिस्टम ले रहे हैं तो सब SI सिस्टम में होनी चाहिए। अगर हमें कहीं पर कुछ कांस्टेंट, जैसे कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट H गिवन है, एप्सिलॉन नॉट ये गिवन है, कुछ इस तरीके के कांस्टेंट अगर हमें यूज़ करने हैं क्वेश्चन में, तो फिर तो हमको SI यूनिट ही लेनी पड़ती है, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हमको
जो हमें लर्न होती है वो SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स में लर्न होती है। तो ये तो हो गया स्टेप वन, कि स्टेप वन में हमने क्या किया, जो भी हमें फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है उनको हमने लिख लिया प्रॉपर सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। उसके बाद बच्चों सेकंड है अप्लाई फॉर्मूला। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे ये डिपेंड करेगा कि हमें क्या क्वांटिटीज गिवन है और क्या हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये हमें तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा जब हमने टॉपिक को ठीक से पढ़ लिया होगा। अब कई बार फॉर्मूले में भी ये कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करें, जैसे फोर्स के बहुत सारे फॉर्मूले, यहाँ पर मैं दो फॉर्मूले लिख रही हूँ, एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। आपने ये फॉर्मूले सुने होंगे, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है ये, मैग्नेटिक फोर्स के लिए फॉर्मूले। तो अब दोनों ही फोर्स के फॉर्मूले, तो इनमें डिफरेंस क्या है ये हमको तभी अच्छे से पता चलेगा जब हमने इनसे रिलेटेड टॉपिक ठीक से पढ़े होंगे, कि ये जो फॉर्मूला है ये जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा होता है तब के लिए है, और यहाँ पर है कि कोई वायर है या कोई रॉड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर जो फोर्स लगेगा ये उसके लिए है। तो हमें इनका डिफरेंस तभी पता होगा जब हमने टॉपिक्स को अच्छे से समझ लिया होगा। दूसरा एक कंफ्यूजन हमें होता है थीटा के लिए, जैसे ये तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूले हैं, सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है कहीं पर किसी क्वेश्चन में, उसकी वैल्यू गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कोई यहाँ पर ऐसे सरफेस गिवन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कुछ एंगल बना रही है। अब हमें वो एंगल गिवन है कि हमें थीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, थीटा नहीं लिखूंगी मैं इसको, एंगल ही बोल देती हूँ, कि हमें एंगल गिवन है क्वेश्चन में 60 डिग्री, और वो इस तरीके से गिवन है कि जो सरफेस है वो सरफेस एंगल बना रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री का। अब फॉर्मूले में आपको फाइंड करना है, सपोज फ्लक्स फाइंड करना है, तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या लेना होता है, यहाँ पर हमको ई इलेक्ट्रिक फील्ड और हमको जो एरिया वेक्टर है वो लेना होता है, मतलब यहाँ पर हम कॉस थीटा लेते हैं। अब ये जो थीटा है बच्चों, ये एंगल किसके बीच में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। यहां पर हमें एंगल दिया हुआ है ये सरफेस के साथ, एरिया वेक्टर क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा एरिया वेक्टर। तो अब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये 30 डिग्री। तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर फिर हम थीटा क्या लेंगे, 30 डिग्री। तो कई बार हम ये सोचते हैं कि एंगल तो हमें क्वेश्चन में 60 दे रखा है, फिर हम यहाँ पे 30 क्यों रख रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हमको अच्छे से समझना पड़ता है। तो ये हो गई बात फॉर्मूला अप्लाई करने की, मीन्स फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, उसमें हमने वैल्यूज रख दी। अब जस्ट हमारे पास थर्ड स्टेप क्या बचती है, कैलकुलेशंस। अब हमको कैलकुलेशंस करनी है। आपकी आंसर शीट चेक करते टाइम कई बार मैं बहुत सरप्राइज हो जाती हूँ कि बच्चे फर्स्ट स्टेप भी सही कर लेते हैं, सेकंड स्टेप भी सही कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन को बीच में छोड़ देते हैं। जब कैलकुलेशन करने की बात आती है तो कई बार बच्चों का कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि उन्हें लगता है कि अब आगे हम शायद सही नहीं कर रहे हैं, या उनको कैलकुलेशन करने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती है कि क्वेश्चन वो काफ़ी बार बीच में ही छोड़ देते हैं। तो बच्चों कैलकुलेशन पर जब आप आ जाते हैं तो ये तो आपका फाइनल स्टेप है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। कैलकुलेशंस के लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ ऐसे तरीके हैं कि हम कैलकुलेशन इजी कर पाए तो हमको उनको यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर है, यहाँ पर कुछ मल्टीप्लिकेशन में कुछ वैल्यूज़ हैं जिन्हें आपको 25 से डिवाइड करना है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो इससे कैंसिल हो पा रहा है, तो हम जस्ट अपने जो हमने जूनियर क्लासेस में जो मेथड पढ़े थे कि ऐसे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दे, तो ये तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अब जस्ट 4 से मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली इजी रहेगा इससे डिवाइड करने के। तो इस तरह से कुछ भी हम टिप्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। और अगर किसी को टेबल्स अच्छे से लर्न है या नंबर के स्क्वायर्स अच्छे से लर्न है तो उसको कैलकुलेशन ईजी रहेगी। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कुछ नंबर के स्क्वायर्स, जैसे 1 to 30 स्पेशली, आप इनके स्क्वायर्स जो हैं एक पेपर
पेपर पे लिख कर अपने ही जहाँ पर आप पढ़ाई करते हैं उसके आसपास कहीं पर इस तरह से उसको लगा लीजिए कि आपकी नज़र उस पर पड़ती रहे, तो आपको स्क्वायर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। और जब आपको टेबल्स और स्क्वायर्स कुछ नंबर्स के लर्न हो जाएंगे तो आपको कैलकुलेशन करना भी बहुत ईजी रहेगा। कैलकुलेटर को आप अवॉइड कीजिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में तो अलाउड होता नहीं है, और वही हमारे को इतना वीक बना देता है कि हम कैलकुलेशन से डरने लगते हैं। तो हम जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती चली जाएगी, हम जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर पाएंगे। वैसे भी बच्चों प्रैक्टिस करने से हमारे लिए चीज़ें ईजी होती ही चली जाती हैं। शुरू में हमें टफ लगती हैं लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से वो ईजी लगने लगती हैं। तो हमें इनसे घबराना नहीं है बिल्कुल भी डरना नहीं है। और हाँ, ये बिल्कुल ध्यान रखें कि आंसर के साथ यूनिट लिखना ना भूलें। कई बार बच्चे ऐसी गलती भी करते हैं कि आंसर्स लिखते हैं पर उनके साथ यूनिट्स लिखना भूल जाते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। तो आई होप कि आप इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे और आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इनसे हेल्प मिलेगी। और आपके अगर कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।